हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टैटिक्स। मैं हूं राजीव। इस वीडियो में मैं जनवरी का कांड अभ्यास डिस्कस करने जा रहा हूं। इस वीडियो में 135 प्लस कांड अभ्यास क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा मिनिस्ट्री है जो ऑनलाइन पोर्टल NARI लॉन्च किया है? ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। द राइट आंसर इज डी। और ये जो तस्वीर है ये श्रीमती मेनका संजय गांधी जी का है। वो इंडिया का वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है। और नारी पोर्टल कैरीज डील्स ऑन 350 डिफरेंट स्कीम महिलाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंट फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया का कौन है? ये है विजय केशव गोखले। और ये विजय केशव गोखले जी का तस्वीर है। और पहले फॉरेन सेक्रेटरी था सुब्रमण्यम जयशंकर। और विजय केशव गोखले जी इंडिया का एम्बेसडर था चाइना के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ऑफिशियल वेबसाइट में कितना लैंग्वेज है? ये है 13। और क्या क्या है? असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड हिंदी एंड इंग्लिश। पटाया में रॉयल कप किसने जीता है? ये जीता है शिव कपूर ने। द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदर्भ ने कौन सा ट्रॉफी जीता है? ये जीता है रणजी ट्रॉफी। द राइट आंसर इज डी। और विदर्भ महाराष्ट्र का ईस्टर्न रीजन में है। रणजी ट्रॉफी इंडिया का एक डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट चैंपियनशिप है। इनमें से कौन सा कंट्री ने माउंट एवरेस्ट पे सोलो क्लाइंबिंग बैन किया है? ये किया है नेपाल ने। द राइट आंसर इज सी। और माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है? 8848 मीटर। इनमें से कौन सा कंट्री ने उसका 2018 का रिपब्लिक डे 10 एशियन लीडर्स को लेकर होस्ट किया है? ये किया है इंडिया ने। द राइट आंसर इज ए। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट में इंडिया का सबसे बड़ा B2B ट्रैवल इवेंट होगा? ये होगा कर्नाटक में। द राइट आंसर इज बी। और कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर कौन है? सिद्धरामैया। और कैपिटल है मैंगलोर। इनमें से कौन सा ऐसा पोर्ट है जो समुद्र मंथन कैनिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? ये जीता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ने। द राइट आंसर इज सी। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पे है? मुंबई पे है। इनमें से कौन नेशनल क्रिकेट एकेडमी का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अपॉइंट हुआ है? यह हुआ है तूफान घोष ने। द राइट आंसर इज बी। और यह है तूफान घोष। इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जो 240 बॉम्ब्स 131 बैराग मिसाइल परचेस करेगा उसका डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? ये करेगा इंडिया ने। द राइट आंसर इज ए। इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जो राजस्थान गवर्नमेंट के साथ पार्टनर किया है स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करने के लिए? ये है HDFC बैंक। और HDFC बैंक का टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। राधा विश्वनाथन द नोटेड वोकलिस्ट हैज पास्ड अवे, वो कौन सा स्टेट की थी? वो कर्नाटक की थी। द राइट आंसर इज ए। और वो वोकलिस्ट भी थी और क्लासिकल डांसर भी थी। यूनियन कैबिनेट ने कौन सा स्टेट के अंदर एम्स करने के लिए अप्रूव किया है? ये किया है हिमाचल प्रदेश के अंदर। द राइट आंसर इज सी। और वो होगा बिलासपुर में। और वो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंदर पड़ती है। द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स हैज रिलीज्ड फॉर हुज स्टेट? दिस इज असम। द राइट आंसर इज बी। और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स पे असम पे 19 मिलियन पीपल को लिफ्टेड किया है 32.9 मिलियन पीपल के अंदर। इनमें से कौन नया डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हुआ है? ये हुआ है राजेंद्र खन्ना ने। द राइट आंसर इज डी। और ये उसका तस्वीर है। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत कुमार दोभाल। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स हैज साइंड मूव विथ Which payment bank to provide training on payment banking? This is India Post Payment Bank. The answer is B.
इनमें से कौन सा कंट्री यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर हुआ है? ये हुआ है पोलैंड। द राइट आंसर इज ए। और यूएनएससी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क यूएस में। पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस और फॉर्म हुआ है 24 अक्टूबर 1945 में। नाबार्ड हैड साइन पैक्ट विथ व्हिच बैंक टू प्रोमोट जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स इन बंगाल? दिस इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। द राइट आंसर इज बी। 2018 का मायलापुर फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है तमिलनाडु पे। द राइट आंसर इज डी। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो 39th नेशनल गेम्स 2022 होस्ट करेगा? ये करेगा मेघालय ने। द राइट आंसर इज ए। और मेघालय को क्या कहा जाता है? बोलते हैं द एबॉट ऑफ क्लाउड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मिनिस्टर ने 2018 एशियन इंडिया प्रवासी भारतीय दिवस इनोग्रेट करेगा? ये करेगा नितिन गडकरी ने। द राइट आंसर इज सी। और ये है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, शिपिंग एंड वाटर रिसोर्सेस, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मिनिस्ट्री डिड टाटा मेमोरियल सेंटर लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट डिजिटल ऑनलाइन ऑन्कोलॉजी ट्यूटोरियल? दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स। द राइट आंसर इज ए। नमामि गंगा प्रोजेक्ट के लिए कितना रुपया अप्रूव किया है एनएमसीजी के द्वारा? ये किया है 295 करोड़। द राइट आंसर इज ए। और स्वेज मैनेजमेंट के लिए पश्चिम बंगाल में 278.6 करोड़, उत्तराखंड में 4.68 करोड़ और वाराणसी के घाट इम्प्रूवमेंट के लिए 11.73 करोड़ खर्च होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पीसीए इनिशिएटेड किया है इलाहाबाद बैंक के अगेंस्ट। पीसीए का फुल फॉर्म क्या है? पीसीए का फुल फॉर्म है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। द राइट आंसर इज डी। इनमें से कौन सा ऐसा मिनिस्ट्री ने ऑल इंडिया हायर एजुकेशन सर्वे रिलीज किया है? ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने। द राइट आंसर इज डी। और हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंत शंकर देवखड़े जी का मौत हुआ है वो कौन सा पार्टी का पॉलिटिशियन था? वो था नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का। द राइट आंसर इज सी। और ये उसका तस्वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री लिस्ट पाकिस्तान विथ 10 अदर नेशंस फॉर रिलीजियस फ्रीडम वायोलेशंस? दिस इज यूएसए। व्हिच कंट्री एक्सक्लूडेड पाकिस्तान फ्रॉम ए सार्क इनिशिएटिव? दिस इज इंडिया। द राइट आंसर इज ए। और सार्क में कौन कौन सा कंट्री है? अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स है, नेपाल है, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये 8 कंट्री है। और सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू पे है। इनमें से कौन सा स्टेट ने साइन फिल्म फेस्टिवल 3rd एडिशन होस्ट किया है? ये किया है गोवा ने। द राइट आंसर इज ए। और गोवा का कैपिटल क्या है? पनाजी है। गोवा कोंकण कोस्टल रीजन में है और गोवा का चीफ मिनिस्टर है मनोहर पारिकर, जो पहले इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट सीएम अनवेल्स ऑफिशियल एम्ब्लेम रिसेंटली? दिस इज वेस्ट बंगाल। द राइट आंसर इज ए। और वेस्ट बंगाल का सीएम ममता बनर्जी ने अनवेल किया है ऑफिशियल एम्ब्लेम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जो पहला इक्वल पे लीगलाइज करेगा? ये करेगा आइसलैंड ने। द राइट आंसर इज बी। और इसका मतलब है वर्क प्लेस में इस कंट्री के अंदर इक्वल पेमेंट करना पड़ेगा महिला और पुरुष दोनों ही के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शहर का प्रगति मैदान पे 6 से 14 जनवरी वर्ल्ड बुक फेयर हुआ है? ये हुआ है न्यू दिल्ली पे। द राइट आंसर इज सी। और पहले कब हुआ था? 1972 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना पे कितना सब्सक्राइबर हुआ है? ये हुआ है 80 लाख। द राइट आंसर इज डी। और अटल पेंशन योजना पे सबसे पहले कौन है? उत्तर प्रदेश। यहाँ पे सब्सक्राइबर है
11.41 लाख, और सेकंड है बिहार, नेक्स्ट है थर्ड है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन चैट सर्विस लॉन्च किया है? ये किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। द राइट आंसर इज बी। 2018 मेन सिंगल टाटा ओपन महाराष्ट्र टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? ये जीता है गिल्स सिमोन ने। द राइट आंसर इज डी, और ये उसका तस्वीर है। और गिल्स सिमोन किसको हराया है? एंडरसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयन हाइड्रो एक्सपो 2018 कौन सा शहर होस्ट किया है? ये किया है काठमांडू ने। द राइट आंसर इज बी। हु हैज बीन नेम्ड एज द बेस्ट सेंट्रल बैंक गवर्नर इन एशिया पैसिफिक फॉर 2018? ही इज रोबी मेनन, और उसका वो तस्वीर है। और रोबी मेनन सिंगापुर का जो सेंट्रल बैंक है, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर है। वो एक इंडियन ओरिजिन बैंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 का वर्ल्ड स्वीट फेस्टिवल कौन से शहर में हुआ है? ये हुआ है हैदराबाद में। द राइट आंसर इज डी। और यहाँ पे 25 इंडियन स्टेट और 15 फॉरेन कंट्री का स्वीट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो ई टेंडरिंग प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन के लिए फर्स्ट प्राइज जीता है? यह है वेस्ट बंगाल। द राइट आंसर इज सी, और ये है वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। और वेस्ट बंगाल का कैपिटल है कोलकाता। द स्टेट हैज बिकमिंग बेस्ट इन द कंट्री फॉर एंश्योरिंग ई टेंडरिंग ऑफ 53,000 प्रोजेक्ट और रुपीज 36,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जो ग्रीन सिग्नल दिया है इंडिया का हज पिलग्रिम प्रपोजल के बारे में? यह है सऊदी अरबिया। द राइट आंसर इज ए। और सऊदी अरबिया का किंग है सलमान, कैपिटल है रियाद, और करेंसी है सऊदी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना रेलवे स्टेशन को इंडियन रेलवे ने फ्री वाईफाई पब्लिक करेगा? ये करेगा 8,500 रेलवे स्टेशन को। द राइट आंसर इज ए। और इसमें 700 करोड़ खर्च होगा 2019 के अंदर। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके अंदर FTII स्थापित होगा, और वो होगा इंडिया का सेकंड ऐसा स्टेट? द राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश, बी। और FTII का फुल फॉर्म क्या है? FTII का फुल फॉर्म है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। व्हिच फिल्म गॉट बेस्ट मोशन पिक्चर म्यूजिकल और कॉमेडी इन गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2018? दिस इज लेडी बर्ड। द राइट आंसर इज ए। और लेडी बर्ड का राइटर और डायरेक्टर है ग्रेटा गर्विग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्टेट लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स चार्ट रिपोर्ट में टॉप है? यह है गुजरात। और गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपानी। इनमें से कौन सा कंट्री ने वर्ल्ड लार्जेस्ट आइस फेस्टिवल हेल्ड किया है? ये किया है चाइना ने। द राइट आंसर इज ए। इनमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने बस और मेट्रो के लिए कॉमन कार्ड लॉन्च किया है? ये किया है दिल्ली ने। और दिल्ली का सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। इनमें से कौन सा कंट्री ने प्राइमरी स्कूल के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग बैन किया है? ये किया है ईरान ने। द राइट आंसर इज डी। और ईरान का कैपिटल है तेहरान। कौन सा कंट्री के साथ इंडिया बायलेटरल एनुअल हज 2018 साइन किया है? ये किया है सऊदी अरबिया के साथ। द राइट आंसर इज बी। इनमें से कौन सा स्टेट ने हाई रिस्क प्रेगनेंसी पोर्टल लॉन्च किया है? ये किया है हरियाणा ने। द राइट आंसर इज सी। हाईएस्ट एजुकेशन एनरोलमेंट के ऊपर कौन सा स्टेट टॉप है? ये है तमिलनाडु। द राइट आंसर इज ए। और तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर है एडवाडी के पलानीसामी। कोचिन पोर्ट टेस्ट के साथ इनमें से कौन मऊ साइन किया है? ये किया है इंडियन नेवी ने। द राइट आंसर इज ए। सिक्किम का ब्रांड एम्बेसडर इनमें से कौन हुआ है? ये हुआ है AR रहमान। द राइट आंसर इज ए। इंडिया का पहला इंटरनेशनल मेडल किसने जीता है स्कीइंग के अंदर? यह है अंचल ठाकुर। द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया का ग्रोथ रेट कितना प्रोजेक्ट किया है? ये किया है 7.3%। द राइट आंसर इज सी।
और 2018 के लिए 7.3% और नेक्स्ट 2 ईयर के लिए 7.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री फ्रीज 147 इंडियन फिशरमैन ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स? दिस इज ए पाकिस्तान। विच कंपनी विल हैव 2 मिलियन कार्स ऑन रोड बिल्डिंग HD मैप्स दिस ईयर? दिस इज इंटेल। सी, इनमें से कौन 2018 कोलकाता ओपन इंटरनेशनल इनविटेशन स्नूकर चैंपियनशिप जीता है? ए जीता है आदित्य मेहता ने। द राइट आंसर इज ए, और वो हराया है अल्फी वार्डन को 5-4 में। इनमें से कौन सा कंट्री ने GCCI के साथ मूव साइन किया है बिजनेस कोऑपरेशन के लिए? यह किया है साउथ कोरिया ने। द राइट आंसर इज बी, और GCCI का फुल फॉर्म क्या है? गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इनमें से कौन इसरो का नया चेयरमैन बनी है? यह है के सिवन। द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कंपनी ने फ्रीचार्ज के साथ साइन किया है? ये किया है फोन पे ने। इनमें से कौन सा कंट्री ने GCCI के साथ मो साइन किया है बिजनेस कोऑपरेशन के लिए? ये किया है साउथ कोरिया। द राइट आंसर इज बी, और साउथ कोरिया का कैपिटल क्या है? सियोल। और GCCI का फुल फॉर्म है गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस दिन में नेशनल यूथ डे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 जनवरी। द राइट आंसर इज डी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में कौन सा कंट्री ने इंडिया के साथ मोह साइन करने के लिए जा रहा है? यह है कनाडा। द राइट आंसर इज ए, और यह है कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मिनिस्ट्री ने स्फूर्ति एप्लीकेशन रिसेंटली लॉन्च किया है? यह किया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने। द राइट आंसर इज बी, और स्फूर्ति का फुल फॉर्म है स्मार्ट फ्रेट ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशंस एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन। इनमें से कौन सा रेलवे स्टेशन पे पहला सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने जा रहा है? यह है भोपाल। द राइट आंसर इज बी, और यहाँ पे पर सैनिटरी नैपकिन के लिए 5 रुपीज पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हुई कंट्री अलाउज वोमेन एज 25 एंड अबव टू विजिट द कंट्री विदाउट ए मेल कंपेनियन? द राइट आंसर इज ए, सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया का कैपिटल क्या है? रियाद। रिसेंटली हुई कंट्री अलाउड वोमेन टू अटेंड ए मेन्स फुटबॉल मैच फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम ए स्पोर्ट्स स्टेडियम? दिस इज डी, सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ आदत सच भारत के लिए एडवोकेसी एम्बेसडर कौन है? यह है काजोल। द राइट आंसर इज ए। इनमें से कौन सा कंट्री वर्ल्ड बिगेस्ट एयर प्यूरिफायर बनाया है? ये बनाया है चाइना ने। द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इंडियन क्रिकेटर का नाम कैप्टन ऑफ आईसीसी टेस्ट एंड ओडीआई टीम्स ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? यह है विराट कोहली। द राइट आंसर इज ए। चारू रोहतगी का मौत हुआ है वो फेमस क्या थी? वो फेमस एक्टर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्क ने एंड्रॉइड के लिए बिजनेस ऐप लाया है? द राइट आंसर इज डी, व्हाट्सएप मैसेंजर। पंडित बुद्धदेव दासगुप्त का रिसेंटली मौत हुआ है वो कौन सा फील्ड का था? वो म्यूजिक का फील्ड का था। द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लैक्स डिड गूगल अवार्डेड फॉर फाइंडिंग्स बग्स इन पिक्सेल फोन? द राइट आंसर इज ए, 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से इंडिया का पहला बैंक कौन सा बना जो 5 ट्रिलियन मार्केट कैप क्रॉस किया है? यह है HDFC बैंक। HDFC बैंक का टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे कौन सा कंट्री योगा क्लासेस ऑफर करने जा रहा है? यह है इंडिया। द राइट आंसर इज सी। व्हिच नावल शिप फॉर्मली एफिलिएटेड टू बिहार रेजिमेंट? दिस इज सी,
INS विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बैंक एम प्लस एनर्जी सॉल्यूशन के साथ टाइज किया है? ये किया है यस बैंक ने। द राइट आंसर इज सी। इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्क ने इसका पहला अफ्रीकन अमेरिकन मेंबर बोर्ड में अपॉइंट किया है? ये अपॉइंट किया है फेसबुक ने। द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अवार्डेड ब्रेवरी मेडल फॉर स्कॉल्डिंग पाकिस्तान ओवर टेररिज्म? दिस इज ए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। UIDAI ने अनाउंस किया है कौन सा डेट से आधार ऑथेंटिकेशन फेस रिकॉग्नाइज करके किया जाएगा? ये किया जाएगा जुलाई 1, 2018 से। और UIDAI का फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कंट्री ऑस्ट्रेलिया ग्रुप ज्वाइन किया है जो इस ग्रुप का 43rd मेंबर है? दिस इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईटी फील्ड के ऊपर इंडिया कौन सा कंट्री के साथ मूव साइन किया है? ये किया है श्रीलंका के साथ। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड व्हिच न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड इन ओडिशा? द राइट आंसर इज ए अग्नि 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली रघुनाथ झा का मौत हुआ है, वो कौन सा फील्ड के था? वो एक पॉलिटिशियन था। द राइट आंसर इज बी। हुई स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू होल्ड ए ब्लॉक चेन हैकाथॉन फॉर गवर्नेंस? दिस इज कर्नाटका। द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज़राइल कितना एग्रीमेंट साइन किया है कोऑपरेशन बूस्ट करने के लिए? ये है बी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा टेलीकॉम कंपनी ने क्लाउड एंड फाइबर अनवेल किया है? दिस इज डी आरकॉम। इंडिया रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन इट्स फर्स्ट मिलिट्री कोऑपरेशन मीटिंग ऑफ एससीओ इन बीजिंग। द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिहाई टूडोस कौन सा कंट्री का प्राइम मिनिस्टर थी जो रिसेंटली रिजाइन किया है? द कंट्री इज रोमानिया। द राइट आंसर इज सी। और रोमानिया का प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? वियोरिका डेंसिला। रोनाल्डिनो रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस किया है, वो कौन सा कंट्री का है? वो है ब्राजील का। द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुई स्टेट हैज रिसेंटली अनवेल्ड ए पब्लिक क्लाउड पॉलिसी? दिस इज महाराष्ट्र। द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ₹43,129 करोड़ रिफाइनरी प्रोजेक्ट इन बारमेर। इनमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने पेड़ों के साथ फटर्नल रिलेशनशिप अलाउ किया है? यह किया है सिक्किम। द राइट आंसर इज सी। और इस संबंध को क्या कहा जाता है लोकली? मीत, मीट और मीटिनी। इनमें से कौन ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2018 रिलीज किया है? ये किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन WWE हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2018 बना है? ये बना है बिल गोल्डबर्ग। द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा टीम ने थर्ड एडिशन ऑफ द प्रीमियर बैडमिंटन लीग चैंपियनशिप जीता है जो हैदराबाद में हुआ है? द राइट आंसर इज डी हैदराबाद हंटर्स। इनमें से कौन सा स्टेट कैबिनेट ने ऑर्फन लोगों के लिए 1% रिजर्वेशन अप्रूव किया है गवर्नमेंट जॉब और एडुकेशन के लिए? ये किया है महाराष्ट्र ने। द राइट आंसर इज सी। और ये जो व्यक्ति है ये महाराष्ट्र के सीएम है, इसका नाम है देवेंद्र फडणवीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमसन रॉयटर्स द्वारा टॉप 100 ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर्स का जो लिस्ट आया है उनमें टॉप है कौन सा कंपनी? यह है माइक्रोसॉफ्ट। इंडिया भाजरा प्रहर मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सा कंट्री के साथ किया है? ये किया है
यूएस के साथ। द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशीनाथ जी का रिसेंटली मौत हुआ है, वो कौन सा फील्ड के थे? द राइट आंसर इज ए फिल्म इंडस्ट्री, वो एक कन्नड़ एक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कंट्री ने इंटरनेट यूज के ऊपर ऑल रेस्ट्रिक्शन को लिफ्टेड किया है? ये किया है ईरान ने। द राइट आंसर इज ए। जो जो व्हाइट का रिसेंटली मौत हुआ है वो कौन सा खेल खेलते थे? वो खेलते थे बास्केटबॉल। द राइट आंसर इज डी, और ये उसका फोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI has announced that all the designs of 10 rupees coin are valid and legal tender for transaction. How many designs of 10 rupees coin are in circulation? The right answer is C, 14. Next question. India has announced to set up a solar development fund to support financing of solar project worth rupees. The right answer is C, $350 million. इनमें से कौन सा कंट्री ने पाकिस्तान को ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2018 में डिफीट किया है? ये किया है इंडिया ने। द राइट आंसर इज बी, और अजय कुमार रेड्डी इंडिया का तरफ से कैप्टन था इस वर्ल्ड कप में, और इस वर्ल्ड कप फिफ्थ ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप था, खेल हुआ था पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का नया डीजी कौन अपॉइंट हुआ है? ये हुआ है सुदीप लाखटकिया। द राइट आंसर इज डी, और ए है सुदीप लाखटकिया। इनमें से नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट हुआ है? यह हुआ है श्री ओम प्रकाश रावत, और ये उसका तस्वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का नया गवर्नर कौन हुआ है? ये हुआ है आनंदीबेन पटेल, और इसका वो तस्वीर है। सी इज द फॉर्मर CM ऑफ गुजरात। इनमें से कौन सा स्टेट मिनिस्टर को कालाम इनोवेशन इन गवर्नेंस अवार्ड कीगा दिया गया है? ये दिया गया है आंध्र प्रदेश IT मिनिस्टर नारा लोकेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कंट्री 16th इंटरनेशनल एनर्जी फोरम मीट होस्ट करेगा? ये करेगा इंडिया ने। द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कंट्री पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट रिसेंटली हुआ है? ये हुआ है स्विट्जरलैंड में। द राइट आंसर इज ए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड देकर किसको सम्मानित किया गया है? ये किया गया है शाहरुख खान को। द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रेन ओन नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स फ्रॉम नरेंद्र मोदी? द राइट आंसर इज सी, 18। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का डायरेक्टर कौन बना है? ये बना है श्री एस सोमनाथ। द राइट आंसर इज बी, और उसका तस्वीर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर इडावडी के पलानीसामी कौन सा अवार्ड जीता है? वो जीता है यूनेस्को अवार्ड। द राइट आंसर इज डी। कौन सा कंपनी का AI इंडियन लैंग्वेज ट्रांसलेशन एनहेंस करने जा रहा है? ये करने जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट। द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक है 177। द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द अपग्रेडेड इंडिजिनियस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मेक सक्सेसफुल मेडन फ्लाइट? दिस इज सी, सारस PT-1N। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में 81 रैंक कौन सा कंट्री का है? यह है इंडिया का। द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का डिजाइन किया हुआ फास्ट वैक्सीन कौन सा है जो WHO द्वारा पास हुआ है? यह है रोटोवैक वैक्सीन। द राइट आंसर इज ए, और WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सा वो मेट्रो सिटी है जो इंडिया का पहला फ्लोटिंग मार्केट बनाया है? ये बनाए हैं कोलकाता ने। द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से पहला वुमेन IBA चीफ कौन बना है? ये बना है उषा अनंत सुब्रमण्यम, और उसका वो तस्वीर है, और IBA का फुल फॉर्म है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन।
इनमें से कौन 2018 का ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल टाइटल जीता है? ये जीता है रोजर फेडरर ने। द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडियाज जीडीपी ग्रोथ प्रेडिक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019 अकॉर्डिंग टू 2018 इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया? दिस इज ए 7 to 7.5%। इंडिया का न्यू फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? यह है विजय केशव गोखले। द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन 2018 का ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल टाइटल जीता है? ये जीता है कैरोलाइन ओजनियाक। यह है कैरोलिन ओजनियाक। इनमें से कौन 2018 वुमेन सिंगल्स इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है? ये जीता है ताई सुएंग ने। द राइट आंसर इज बी। कौन सा नेशनल पार्क में 2018 इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल 9 to 11 फरवरी हुआ है? ये हुआ है दुधुआ नेशनल पार्क में। द राइट आंसर इज डी। और दुधुआ नेशनल पार्क है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए शक्ति सेफ्टी ऐप लॉन्च किया है? ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। द राइट आंसर इज ए। व्हाट इज द इंडिया रैंक इन द लिस्ट ऑफ ओल्डेस्ट कंट्रीज अकॉर्डिंग टू ए न्यू रिपोर्ट बाय न्यू वर्ल्ड वेल्थ? दिस इज सिक्स। और इस लिस्ट में फर्स्ट है यूएस, सेकेंड है चाइना और थर्ड है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी लेप्रोसी डे इंडिया में कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जनवरी 30 को। प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।